स्टार न्यूज युग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा प्रथम। उपखंड क्षेत्र धरियावत में तहसीलदार क्वार्टर के आसपास लंबे अरसे से गंदगी पसरी हुई है, जिसके कारण आसपास भारी मात्रा में मच्छर पनप रहे हैं, जिससे महामारी फैलने का अंदेशा बना हुआ है। विगत कई वर्षों से इस गली में गंदगी का यही आलम है, जबकि हिंदू मुस्लिम धार्मिक आस्था के केंद्र मंदिर मस्जिद जाने का रास्ता भी यही है। वहीं पास में ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी स्थित है। समीप ही पटवार मंडल बना हुआ है, जहां पर धरियावत का पटवारी बैठता है। आसपास अधिकारियों के गुजरने के बावजूद किसी की भी नजर गंदगी पर नहीं पड़ी। इस संबंध में स्थानीय निवासी और धरियावत व्यापार संघ के अध्यक्ष सूर्य प्रकाश बोरा ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। जैसा कि अभी देख रहे हैं, मैं जिस जगह खड़ा हूँ वहाँ पर एक साइड में बहुत बड़ा महावीर स्वामी का मंदिर है, एक तरफ स्वास्थ्य विभाग का बहुत बड़ा हॉस्पिटल CSC जो मुख्य स्वास्थ्य केंद्र है, और एक तरफ प्रशासक तहसीलदार साहब का निवास है, और इसके बीच में कि कितनी गंदगी यहाँ पर पसरी हुई है। और हमने कई बार अधिकारियों से कर्मचारी से निवेदन किया, सफाई होती है एक दिन होती है, उसके बाद में महीने भर होती नहीं है। और आज जैसा कि अभी आप देखेंगे वीडियो में कि कितनी गंदगी यहाँ पर हो रही है भयंकर, यहाँ सुअर और आज की इस वैश्विक महामारी जहाँ कोरोना चल रहा है वहाँ पर इस तरह की गंदगी होना हमारी बीमारी को और बढ़ाने जैसा है। मैं प्रशासन से भी निवेदन करता हूँ कि अतिशय समाधान करें, सफाई करें और निरंतर सफाई हमेशा बराबर लगातार जारी रहे। गौरतलब है कि राज्य सरकार और भारत सरकार स्वच्छता मिशन को लेकर सजग और सतर्क हैं। वहीं सरकारी विभाग के बड़े अधिकारी के कार्यालय के पास ही गंदगी का ढेर लगा हुआ है। जिम्मेवारों को इस पर तुरंत ध्यान देकर गंदगी से धरियावत को मुक्त किया जाना चाहिए। फिलहाल के लिए समाचारों में इतना ही। बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबरों का युग, न्यूज युग। अगर आपने अभी तक हमारा न्यूज युग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बने बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि आपको हमारे सभी रोचक और ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स लगातार मिलती रहे।